फैसला है, वह मकाना रब का नसीया, और तेरा रब तुझे भूलने वाला नहीं है। अता करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, लेकिन मेरा रब दुआओं को कभी भी रद्द नहीं करता। और सब्र रखो, हर चीज़ आसान होने से पहले मुश्किल होती है। लफ्ज़ इंसान के ग़ुलाम होते हैं, लेकिन सिर्फ बोलने से पहले तक, और बोलने के बाद इंसान अपने ही अल्फाज का ग़ुलाम बन जाता है। और मुस्कुराते रहा करो ताकि दुनिया कन्फ्यूज़ रहे कि इसे खुशी किस बात की है। और मोहब्बत के बहुत सारे रंग होते हैं, लेकिन मोहब्बत का सबसे खूबसूरत रंग इज्जत होता है। और सिर्फ हाथ ही नहीं, अल्फाज भी सहारा बनते हैं। जहाँ पर हाथों से ना थामा हो, लफ्ज़ों से थाम लिया करो। और आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, लेकिन इनके गिर जाने से दिल हल्का ज़रूर हो जाता है। और लास्ट में, ख़ुद पर काबू करने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करें, और दूसरों पर काबू करने के लिए दिल का इस्तेमाल करें। और जानते हो सबसे बड़ी इज्जत क्या है? सब कुछ जानते हुए भी मुंतज़र रहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्टार मेरा यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक थे। और आज मैंने दोपहर से व्लॉगिंग स्टार्ट की। सुबह से मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था, और आज मेरा मूड नहीं हो रहा था व्लॉगिंग करने का। जैसे कि पिछली भी एक दो बार मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था व्लॉगिंग करने का। कभी कभी ऐसा दिल करता है ना कि बस कुछ भी नहीं करे, बंदा बस इसी तरह बैठा रहे, काम भी करने को दिल नहीं करता। तो काम तो करना ही होता है, दिल करे या ना करे। तो खैर, मैं आ गई थी यहाँ पर मेरा को नहलाने के बाद ना किचन में, और किचन पूरा मेरा फैला हुआ था। तो सबसे पहले किचन की क्लीनिंग करनी है, बर्तन मैंने वॉश कर लिए हैं। बर्तन वॉश करने के बाद बनाना है खाना। तो खाने में आज बहुत ही मज़ेदार सी मैं रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी। गर्मी के हवाले से बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, आप लोगों ने इंट्रो में तो देख ही लिया होगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। आज मैं दाल साग की रेसिपी बनाने वाली हूँ, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना आप लोगों ने। और यहाँ पर मैंने चावल को धोकर रखा हुआ है, चावल अच्छे से फूल जाएंगे ना, तो फिर इसे मैं बॉइल कर लूँगी। क्या आप लोग भी चावल को इस तरह पहले से पिको कर रख देते हैं जब ये फूल जाते हैं, फिर आप लोग बनाते हैं, या फिर डायरेक्ट आप लोग धोने के बाद चढ़ा देते हैं चूल्हे पे? असल में सुना है मैंने कि इसे सोख करके बनाए ना, तो राई जो है आपके अच्छे बनते हैं, खिले खिले बनते हैं, दाने जो उसके ना लंबे लंबे से बनते हैं। और यहाँ पर मैंने साग मंगवा लिया था, और दाल मैंने यहाँ पर भुगो कर रखा है, मसूर की दाल। ठीक है, इस दफ़ा मैंने मूँग की दाल नहीं ली है, तो घर में मसूर की दाल ही, तो वो ही मैंने भुगो दिए हैं। और यहाँ मेरा के पापा से मैंने मंगवाए थे ये साग, और ये साग जो है ना सही नहीं लेकर आए, मतलब इसमें थोड़े ना ख़राब ख़राब थे, मुरझाए हुए थे। मतलब कि एक तो दो गड्ढी मैंने मंगवाए थे, क्योंकि दाल में डालना था, तो दाल में बहुत ज़्यादा साग नहीं जाता है, थोड़े से साग से भी काम चल जाता है। तो मैंने कहा था बस दो गड्ढियाँ जो है ना वो ले लेना है आपने, और वो भी इन्होंने सही नहीं लिया। तो खैर, जो चाट वाट कर निकला ना वो मैंने निकाल दिया, इसमें से जो फ्रेश पत्ते थे ना वो मैंने अलग कर लिया, और अच्छे से इसे मैंने 3 से 4 दफ़ा धो लिया। ठीक है, फ्रेश पानी से इसे धोने के बाद मैंने लिया है। आप इसी तरह करना, पहले कटिंग नहीं करना, पहले पत्ते और डंडियों को अलग कर लेना, उसके बाद इसे अच्छे से धो लेना। धोने के बाद इस तरह कटिंग करना, इस तरह आसान हो जाता है साग को साफ करना, उसकी कटिंग करना। अगर आप कटिंग करके धोएंगे ना, तो फिर बहुत टाइम लग जाता है इसे वॉश करने में। छोटे छोटे जो पीसेस हो जाते हैं ना साग के, वो फिर पानी से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर साग को मैंने कट कर लिया था, और ये देखिए मुन्ना चुन्ना सा हमारा साग निकल गया है। बट ये दाल के लिए काफ़ी है, हम जितनी दाल बना रहे हैं ना, तो उसमें ये काफ़ी होगा। ठीक है, दाल साग में ज़्यादा साग नहीं जाता है, बस बराबर बराबर क्वांटिटी आपने रखनी होती है। ठीक है, तो 1 कप मैंने यहाँ पे मसूर की दाल ली थी। ठीक है, कुकर में मैं बनाने वाली हूँ, और यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद 1 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने स्लाइस में कट करके शामिल किया है। इसे ब्राउन करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। गर्मियों में ना ऐसे हल्के फुल्के खाने ही सही होते हैं, जिस तरह की आजकल गर्मियाँ चल रही हैं ना, तो ये सब खाना ही सही होता है। दिन में आपने बना लेना है चावल के साथ, और बहुत ही मज़ा आता है। और वैसे भी खाना खाने का गर्मियों में बिल्कुल भी दिल नहीं करता, पानी पी पी कर पेट फुल हो चुका होता है, और सिर्फ ठंडे पानी या ठंडे मशरूबात का ही दिल करता है। खाना खाने को तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है आजकल गर्मियाँ जिस तरह की हो रही हैं। तो मैंने सोचा चलो आज दाल साग बना लेते हैं, वैसे भी घर में ना ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। जब प्याज ब्राउन हो गया ना, तो मैंने इसमें दाल शामिल कर दिया है, साथ ही मैंने लाल मिर्च का शामिल किया है, हल्दी का शामिल कर देंगे, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें जीरा पिसा हुआ जीरा भी शामिल किया। ठीक है, पिसी मिर्ची मैंने अपने जायके के मुताबिक इसमें डाला है, मतलब 1/2 चम्मच मैंने डाला, 1/2 टीस्पून। ठीक है, जब दाल अच्छे से बना जाएगा ना, फिर मैंने इसमें डाल देना है टमाटर और साग। और ये दोनों चीज़ डालने की ना वीडियो स्किप हो गई है मुझसे, तो मैंने टमाटर और साग डालने के बाद अच्छे से इसे भून लिया है। जब ये अच्छे से भून जाएंगे ना, तो फिर उसके बाद इसमें पानी शामिल कर देंगे, और पानी मैंने इसमें इतना डालना है कि दाल भी गल जाए और साग भी इसमें अच्छी तरह गल जाए, उसके बाद इसमें ग्रेवी भी रह जाए, मतलब ये थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी सी रह जाए, सुखाना नहीं है हमें। तो मैंने इसमें 3 गिलास इतनी क्वांटिटी पानी का शामिल कर दिया, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और पानी डालने से पहले मैंने क्या किया है कि दाल को पहले अच्छे से भुना था, फिर टमाटर और साग डालने के बाद अच्छे से इसकी भुनाई की थी। जब तक भुनाई की ना, जब तक दाल जो है साग जो है ना वो अपना पानी नहीं रिलीज़ कर देता, क्योंकि साग जो है पानी नहीं रिलीज़ करता है, तो तब तक मैंने अच्छी तरह भुनाई किया है। और राइस ये देखिए हमारे दम हो चुके हैं।
और मैं इसे कुकर में गलाई हूँ तो मैंने 5 से 6 मिनट ही सीटी दिया, इससे ज़्यादा आपने सीटी नहीं देना। पानी मैंने डर से ज़्यादा ही डाला था, ऐसा ना हो कि दाल और साग जल जाए, तो मैंने यहाँ पे 3 गिलास पानी डाला था और 6 मिनट मैंने इसे सीटी दिया। उसके बाद मैंने इसका लेट हटा दिया था और यहाँ पर मेरे मोबाइल का चार्ज जो है ना वो डाउन हो गया था, इसलिए ना टॉर्च लाइट भी ऑफ हो चुकी थी और किचन की जो लाइट है वो भी मेरी फ्यूज़ हुई हुई थी, इसलिए आपको यहाँ पर लाइट थोड़ा कम दिख रहा होगा। तो मैंने चार्ज करने के बाद दोबारा से यहाँ पर कुकिंग स्टार्ट की थी। तो ये देखें अच्छी तरह साग के पानी को मैंने थोड़ा खुश्क किया है और थोड़ा सा मैंने घुटनी से इसे घोट भी लिया है, मतलब जैसे कि दाल घुटनी कहते हैं आप लोग, पता नहीं क्या कहते होंगे। तो मैंने उसे इसे अच्छे से घोट लिया, घोटने के बाद इसमें मैंने सॉल्ट डाला, ठीक है, जायके के हिसाब से नमक डालने के बाद मैंने इसे उतार दिया चूल्हे से। अभी इसी चूल्हे पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ा देना है। कढ़ाई में किस लिए चढ़ा रही हूँ, मैंने यहाँ पे देना है बघार। बघार के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा ऑयल लिया है। जब मैंने दाल और साग बनाने के लिए रखा था ना, जो मैंने उसमें ऑयल डाला था तो वो भी मैंने कम ही ऑयल डाला था, ज़्यादा आपने पहले ऑयल नहीं डाला। प्याज जो है ना ब्राउन करने तक की क्वांटिटी आपने डालनी है, ज़्यादा आपने नहीं डाला क्योंकि बघार में भी ऑयल जाता है। यहाँ पर आप घी से भी बघार दे सकते हैं अगर देना चाहें तो। यहाँ पर मैंने ज़्यादा सारा लहसुन लिया है, लाल 3 साबित मिर्चें मैंने इसमें डाल दी है। अब इन दोनों चीज़ों को पहले हम फ्राई कर लेंगे, लहसुन का कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक। उसके बाद इसमें लाल मिर्चें मैंने शामिल की है और हरी वाली बड़ी वाली जो मिर्च होती है ना वो मैंने इसमें डाल दी है, ठीक है। और ये जो लाल मिर्चें हरी वाली मिर्चें लाल हो जाती है वो मैंने इसमें डाला है, थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे जीरा। ज़ीरा मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लेना है, आधी चम्मच मैंने इस ज़ीरे का लिया है। और बघार जो है ना आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो इसमें बघार में डालना चाहते हैं वो चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ क्योंकि ये दाल साग में लहसुन का फ्लेवर और ज़ीरे का बहुत ही मज़ेदार लगता है, तो आपने भी इसी तरह बघार देना है, ठीक है। तो ये अच्छी तरह कलर चेंज हो गया है, ज़ीरा भी मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पर फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर मुझे थोड़ा सा डाउन करना है, क्योंकि बघार में दाल में नहीं डालने वाली हूँ, इस बघार में मैं दाल डालने वाली हूँ। और लिटरली ये दाल साग जो है ना बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। इसे जस्ट आप वाइट चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ भी ये मुझे बहुत मज़े की लगती है। और जब ये बासी हो जाती है ना दूसरे दिन भी मुझे ये बहुत जायका देती है, मतलब मज़ेदार लगती है। तो आई होप कि आज की ये दाल साग की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। और गर्मियों का सीज़न है तो ये तो मस्ट ट्राई बनता है कि आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है। जस्ट वाइट चावल के साथ भी इसे आप खा सकते हैं, मज़ेदार लगता है। इसमें मिर्ची फ्राई कर लें, कुचला बना लें, चटनी बना लें, सलाद बना लें और साथ में ये बना लें, बहुत ही मज़े का लगता है। और खाना वगैरह खाने के बाद यहाँ पे हमने तैयारी कर ली थी मेरे की बड़ी फूफी को देखने जाने के। मैंने पिछली बार कहा भी था, आप लोगों को बताया था कि उनके आँखों का ऑपरेशन था, तो उनका ऑपरेशन तो हो चुका था बट मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं इन्हें देखने के लिए आऊँ। तो आज हमने टाइम निकाल लिया, मैंने मेरा के पापा को कहा कि आप ऐसा करें कि कारी साहब को मना कर दें, क्योंकि जिस वक्त हम निकल रहे थे इस वक्त कारी साहब के आने का टाइम था, तो उन्होंने फ़ोन करके मना कर दिया। फिर हम यहाँ पहुँच गए और यहाँ पहुँचते ही थोड़ी देर से ही मेरा के पापा ने कहना शुरू कर दिया कि जल्दी करो बस हमें निकलना है, क्योंकि टाइम उनका ड्यूटी जाने का हो चुका था और इस वक्त बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। बस थोड़ी देर हम बैठे, उसके बाद हम बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही बाहर देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा था ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही थी और खुला आसमान, क्योंकि हम बंद घर में रहते ना इस तरह जब बाहर निकलते ना तो ये मौसम देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ ही सामने मुझे नजर आई कि मेरी देवरानी भी आ रही थी, तो मैं थोड़ी देर के लिए खड़ी हो गई कि चलो इनसे मिलते हुए चलते हैं। ये भी आई थी नंद को देखने के लिए, मतलब कि मेरा की बड़ी फूफू को, ये भी शायद नहीं आई थी। तो फिर यहाँ पे हमने कहा चलो थोड़ी देर रुक जाते हैं इनसे मिलते हुए, फिर हम घर के लिए निकलेंगे। तो बस इनसे मिलने के बाद फिर हम यहाँ से निकल गए, घर आ गए। घर आते ही हसरेन को लगी थी भूख, हसरेन बैठ गए थे खाना खाने के लिए, मेरा के पापा ने जल्दी जल्दी खाना खा लिया और ये मुझे पैसे दे रहे थे हसरेन को देने के लिए। और नाइट ड्यूटी पे जाने की इन्होंने तैयारी कर ली थी, मैंने लंच पैक कर दिया था और ये पैसे मैंने हनी को दे दिए। और आप सबको तो पता ही है जब मेरा के पापा ड्यूटी पे जा रहे होते हैं ना तो मेरा फिर आगे पीछे ही टहल रही होती, जब तक उन्हें दरवाजे से बाहर होता नहीं देख लेती ना तो इसे सुकून नहीं मिलता। और अभी मैं आप लोगों को किचन में नज़र आ रही हूँ और ये टाइम हो रहा है रात के 11 या 11:30 का टाइम हो रहा है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बालों का खाद, मतलब कि मैं बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही काम की चीज़ बना रही हूँ। आप लोगों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, मतलब कि मैं अपने हेयर के लिए मेहंदी तैयार कर रही हूँ, उसके लिए यहाँ पर मैंने पानी चढ़ा दिया, उसमें मैंने डाला है मेथी दाने, कलौंजी और अब डालूंगी मैं चाय की पत्ती और मैंने इसमें लौंग का भी शामिल किया है, तो 1-1 चम्मच मैंने डाला है और लौंग मैंने 10 से 12 डाल दिए हैं। 4 चम्मच मैंने यहाँ पर चाय की पत्ती का शामिल करना है, मेरे पास कॉफ़ी नहीं था वरना मैंने कॉफ़ी भी इसमें डालना था, कॉफ़ी कलर के लिए डालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये मज़ेदार सा पानी तैयार करेंगे, ये पीने के लिए नहीं बन रहा है। इससे मैं मेहंदी तैयार करूँगी और मेहंदी मैं लगाने वाली हूँ बालों में, और यही मेहंदी मैं अक्सर तैयार करके मैं लगाती हूँ बालों में, जिससे बालों का जो ग्रोथ है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है और बाल हेल्दी हो जाते हैं, गिरना बंद हो जाते हैं। और मैं कलर के लिए भी इसे इसी तरह मेहंदी बनाकर इस्तेमाल करती हूँ, बट मैं केमिकल वाली मेहंदी नहीं लगाती हूँ, मैं खुली मेहंदी बिना केमिकल वाली लगाती हूँ, जिससे मैं कलर नहीं होता है। जस्ट कलर अगर देने के लिए आप बना रहे हो ना तो पत्ती के साथ आपने कॉफ़ी भी डालना है, बीटरूट भी डालना है, मतलब कि चुकंदर भी डाल देना है, तो इससे कलर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और आपने
अगर ग्रे हेयर को कवर करना है ना तो फिर आपने इसे लोहे के बर्तन में बनाना है, ठीक है। और मैं ग्रे हेयर के लिए नहीं बना रही हूँ, मैं जस्ट बालों के लिए बना रही हूँ, मतलब बालों का खाद बना रही हूँ, बालों के बेनिफिट्स के लिए बना रही हूँ और कलर के लिए भी मैं नहीं बना रही हूँ। अगर मैं कलर देने के लिए बनाती हूँ ना तो मैं इसमें फ्रेश बीटरूट ऐड करती, इसके बाद कॉफ़ी ऐड करती, तो जो मैंने नहीं ऐड किया, मैंने बीटरूट पाउडर यहाँ पर ऐड किया। बीटरूट पाउडर में इतना कलर नहीं होता जितना कि फ्रेश बीटरूट में होता है, ठीक है, यानी कि चुकंदर में होता है। तो मैंने अगर कलर देना होगा ना तो बरगंडी से कलर आता है। अगर आपने इसमें फ्रेश चुकंदर ऐड कर दिया ना कद्दूकश करके, जिस वक्त पानी मैंने बनाया उसमें बॉईल करके ऐड किया और कॉफ़ी इसमें ऐड किया ना, उससे कलर बहुत ही अच्छा हो जाता है आपके हेयर का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बीटरूट पाउडर डाला था, 4 से 5 चम्मच मैंने मेहंदी का लिया है और 1 चम्मच मैंने आंवला का लिया, ठीक है। और ये इसमें 1 चम्मच मैं ऑयल डाली हूँ और ये ऑयल मैंने घर पर खुद बनाया है, जो मेरा को और मैं खुद यूज़ करती हूँ, लेकिन ये बहुत सीक्रेट ऑयल है। अगर आप लोगों को इसके ऑयल के बारे में जानना है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फिर हो सकता है कि मैं बता दूँ अगर मेरे इस वीडियो में व्यूज़ ज़्यादा आ गए तो, वरना मैं नहीं बताने वाली, क्योंकि ये ऑयल बहुत ही काम की है और ये बहुत पुराना ऑयल हो जाता है तब ये ज़्यादा फ़ायदा देता है। और मेरा के तो हेयर आप लोग देख सकते हैं और मेरे तो हेयर देखेंगे तो फिर आप लोग तो ज़रूर पूछेंगे कि ऑयल आपने कैसे बनाया है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट इसमें ऐड किए हैं। अगर इस ऑयल के बारे में जानना है तो आप सब कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है मैं बता दूं। और यहाँ पे जो पानी मैंने बॉईल करके रखा था ना, ढक कर रखा था, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है इस पानी को, ठीक है, नीम गर्म पानी होना चाहिए, धुआं हल्का बहुत निकलना चाहिए इसमें से, वही पानी इसमें आप शामिल कर देना है। मैंने इसे छान कर ले लिया है एक अलग बर्तन में और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस मिक्सर को तैयार कर लेंगे, मतलब मेहंदी को घोल लेंगे। और मेहंदी यहाँ पर जो मैंने लिया है ना, अपने बालों की लेंथ के हिसाब से लिया है, आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से क्वान्टिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 5 से 6 चम्मच डालेंगे ड्राई मेहंदी का, उसके बाद मैंने 1 चम्मच आंवला का डाला है, 1 से 2 चम्मच मैंने इसमें बीटरूट पाउडर शामिल कर दिया है, ठीक है, और 1 चम्मच मैंने इसमें ऑयल का शामिल किया। ऑयल जो है ना आप कोई सा भी इसमें शामिल कर सकते हैं, जो आप लगाते हैं, जो आप पसंद करते हैं, आप इसमें सरसों का ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट वैसे जो ये ऑयल बनाया है मैंने, ये सरसों के तेल में ही मैंने बनाया है, ठीक है। अच्छी तरह थोड़ा थोड़ा डालकर इसे मिक्सर तैयार कर लेंगे। इस तरह का मिक्सर होना चाहिए ना कि बालों में आसानी से ये टिक जाए, बहे भी नहीं और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग यहाँ पे आपने अच्छी से करनी, कोई भी गिटली इसमें नहीं रहनी चाहिए। वैसे जब थोड़ा गरम गरम आप इसमें डालेंगे ना ये वाला पानी, तो ये गिटलियाँ नहीं बनाती हैं, सही है। और ये मैं रात भर इसे रखने वाली हूँ इस तरह बनाकर, सुबह मैं इसे बालों में लगाऊंगी। बालों में लगाने के बाद इसे 4 घंटे आपने लगाकर छोड़ना है, कम से कम 3 घंटे और ज़्यादा ज़्यादा आपने 4 घंटे तक इसे लगाकर छोड़ देना है। सारे दिन आपने काम करना है, 4 घंटे बाद आपने हेयर वॉश कर लेना है अच्छी तरह। और पहले दिन आपने इसे बिल्कुल भी वॉश करते वक्त शैम्पू नहीं यूज़ करना है। रात में फिर आपने इसमें सरसों ऑयल हेयर पर लगा लेना अच्छी तरह से, दूसरे दिन आपने इसमें शैम्पू का इस्तेमाल करना हेयर में, ठीक है। और जो ग्लास में पानी थोड़ा सा रह गया था ना, मैंने वापस इसी पतीली में डाल दिया जिसमें चाय की पत्ती का मिक्सर मैंने बनाया था, तो इसी में डालकर मैंने रख देना है इसे। सुबह जब ये थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी ना मेहंदी, तो इसे गर्म करके ये वाला पानी मैं दोबारा इसमें डालकर इसे थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी